अम्बाला शहर से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से असीम गोयल को मैदान में उतारा है। असीम गोयल ने आज अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। असीम गोयल ने पहले एक जनसभा की, उसके बाद रोड शो करते हुए नामांकन भरने पहुंचे। असीम गोयल के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, कैबिनेट मंत्री अनिल विज व सांसद हंसराज हंस मौजूद रहे। इस मौके पर सभी ने असीम गोयल को जीत का आशीर्वाद दिया। यहाँ पर आज नामांकन भरा गया और हजारों लोगों की मौजूदगी में हजारों लोग साथ आए हैं नामांकन भरने के लिए और असीम गोयल जी बहुत भारी मार्जिन से विजयी होंगे। असीम गोयल का नामांकन भरवाने पहुंचे दिल्ली से सांसद हंस राज हंस ने भी जनता से असीम गोयल को भारी मतों से जिताने का आह्वान किया। ये बहुत अच्छी बात है, अम्बाला को मैं मुबारक देता हूँ और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ऑनरेबल CM साहब का शुक्रगुजार हैं और जिनके जेरे साया ये बदे फूले हैं। केंद्रीय मंत्री जनाब रतन कटारिया साहब, इनके सर पे हाथ है। अभी अनिल विज साहब आए थे, इन्होंने बहुत काम किया है। मेरी सुनिमर बेनती है अम्बाला की जनता को कि इस कर्मठ कर्मयोगी को, हमारे भाई असीम गोयल साहब को कामयाब करो। असीम गोयल ने नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कहा कि यह चुनाव अम्बाला की जनता लड़ रही है और वह मात्र नुमाइंदे हैं। असीम गोयल ने कहा कि यह सीट जीत कर वह भाजपा की झोली में डालने का काम करेंगे। इस दौरान असीम गोयल ने कांग्रेस की गुटबाजी पर भी निशाना साधा। देखिए, मैं सबसे पहले तो इतनी बात कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव अम्बाला शहर की जनता का खुद का चुनाव है। वो खुद इस चुनाव को आगे आके अम्बाला शहर के लोग लड़ रहे हैं। स्वाभिमानी जनता ने चुनाव अपने हाथ में लिया है। हमारे कार्यकर्ता जो दिन रात खून पसीना बहाकर इस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को जो मजबूत करने का काम किया, इस चुनाव को उन्होंने अपने हाथ में लिया है। असीम गोयल तो निमित्त मात्र हैं और ये चुनाव आज कार्यकर्ताओं का और अम्बाला शहर की स्वाभिमानी जनता का खुद का चुनाव है और मुझे लगता है निश्चित रूप से एक प्रचंड बहुमत के साथ हम इस सीट को जीतकर भाजपा की कमान की झोली में डाल देंगे। देखिए, कांग्रेस के अंदर तो उनकी लड़ाई खुद स्वयं से है। कितनी तरह की कांग्रेस इस कांग्रेस में आ गई है और एक दूसरे को खत्म करने पे वो आमादा हैं। हुड्डा कांग्रेस अलग है, किरण चौधरी कांग्रेस अलग है, शैलजा कांग्रेस अलग है, तंवर कांग्रेस अलग है, कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस अलग है, कैप्टन अजय यादव कांग्रेस अलग है। तो ये एक दूसरे को खत्म करने का, और जैसे ही ये सब खत्म होंगे कांग्रेस खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। कांग्रेस को किसी भारी उसकी जरूरत नहीं है शत्रु की खत्म करने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी को आगे जब जिन्होंने मौका दिया, देश की स्वाभिमानी जनता ने देख लिया कि कांग्रेस का किस प्रकार का कल्चर रहा है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर इस देश और प्रदेश के अंदर अभूतपूर्व विकास हुआ है। धारा 370-35 है और जो वो तो मोदी जी ने तोड़ी और जो हरियाणा के अंदर भाई भतीजावाद की धारा लगी 370 लगी हुई थी, क्षेत्रवाद की धारा 370 लगी हुई थी, भ्रष्टाचार की धारा 370 लगी हुई थी, उस सब आर्टिकल 370 को मनोहर लाल जी ने अपने जो एक विकास का सुदर्शन चक्र है उसे समाप्त किया है।